दोस्तों मार्केट में एक ऐसी कमाल की लाइट आ चुकी है जिससे कि आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी वर्ड बना सकते हो, कोई भी अल्फाबेट बना सकते हो, जिससे कि अल्फाबेट बना हुआ ही बहुत अच्छा लगता है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो हेलो गाइज, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं क्रिएटिव जीएस। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं नियॉन लाइट। तो बेसिकली नियॉन जो है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम पे, तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, मैं एक नियॉन लेके आया, उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। तो बेसिकली आप देख लीजिए, ये नियॉन लाइट होती है, ये पूरा एक 5 मीटर का रोल आता है, ठीक है। तो पहले मैं इसकी आपको बता देता हूँ क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो DC 12 वोल्ट पर ये काम करता है। उसी तरीके से इसके अंदर आपको तरह तरह के कलर मिल जाते हैं, जैसे कि रेड मिल जाता है और IP65 ये रेटिंग दी गई है इसको। बाकी इसके अंदर जो है डबल PCB का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबे टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। और LED टाइप जो है वो 28-35 इसके अंदर LED लगाई गई है, ठीक है गाइस। तो सारी डिटेल्स की यहाँ पर लिखी गई हैं। उसी के साथ ये पूरा एक 5 मीटर का रोल आता है, ठीक है। 5 मीटर से ज़्यादा भी आती होगी, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल होता है बेसिकली वो 5 मीटर का रोल होता है। इसको रखते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, ये पूरा एक रोल है और इसका जो लोग यूज़ कर रहे हैं ना भाई, आजकल आपने देखा होगा एडवर्टाइज बैनर वगैरह रहते हैं। ये देख लीजिए, इसके पीछे से आप बताया गया है आपको कि ये जो है बेसिकली DC 12 वोल्ट पे काम करती है। ब्लू, ग्रीन, पर्पल, पिंक, ऑरेंज और लेमन येलो, मतलब लगभग सारे कलर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। कुछ मैंने आपको फोटो दिखाए हैं जिस तरह के देख रहे हो, ये बनाने में आप इसका यूज़ कर सकते हो। किसी चीज़ को हाईलाइट करने में, मान लीजिए आपकी किसी चीज़ की शॉप है तो आप उसको बनाने इसका बैनर से बना सकते हो। मतलब इससे बना हुई चीज़ ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है, यूनिक मतलब अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने जो है इसको चलाने के लिए 12 वोल्ट DC पावर सप्लाई ले ली है। तो ये 12 वोल्ट 5 एम्पियर की है, कितने भी एम्पियर की आप ले सकते हो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वोल्टेज रेटिंग जो है 12 वोल्ट होनी चाहिए। अभी देख लीजिए गाइस, मैंने जो है अपने रूम की सारी लाइटें बंद कर दी हैं, बाकी अभी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कमाल की लग रही है। तो गाइस ये है पावर नियॉन की, और देखो ये जो है एक साइड से ग्लो करती है। मान लीजिए आप कुछ भी इससे बना रहे हो, कुछ भी इसका डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपको इधर की साइड से इसको डिज़ाइन करना होता है। आपने देखा होगा आर्कलिक सीट्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सीट्स, उनपे पीछे की तरफ से ऐसे करके कुछ भी हम इससे लिख भी सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए कोई भी स्पेलिंग बना सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। फोल्डेबल होती है, ईजी फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इससे हम ना कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा चाहिए, मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ अपने इस वीडियोज़ में, तो आप जो है कमेंट कर दीजिए कि आपको भी मतलब कुछ ऐसा सीखना है, किस तरीके से बनाते हैं वो सब मैं आपको उस वीडियो के अंदर सिखा दूंगा। तो नियॉन जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है भाई इस टाइम पे। तो गाइज़ अगर आपको नियॉन बाय करनी हो या इसकी पावर सप्लाई बाय करनी हो, कुछ भी बाय करना हो, हमारे पास सब अवेलेबल है। यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो फटाफट से जाओ व्हाट्सएप पे नंबर सेव करो, फिर मेरे को मैसेज करो, उसके बाद आप इसको हमसे बाय कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।